वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज जी आप थोड़ी नाल वीडियो शेयर करेंगे आलू मंचूरियन बच्चा नहीं फरमाइश थे। चलो आप दिखाते हैं जी, वो अपन की चाहिए। अपन वो भी चार आलू चाहिए ने कटिंग किए हुए, आप कद्दूकस करेंगे जी। तो ये अपने प्याज ते अदरक ते लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ। ये जी अपने चौलों का आटा पीसया हुआ। ये अपने मैदा एक कटोरी मैदा लिया जी अपने। हुण जी आप आलू कद्दूकस करांगे ते होर आप दस देंगे जी होर की चाहिए। वैसे आप एवं लगता भी अपने आलू काले हो जाएंगे, आप पानी में डोब के रख दो जी, फिर काले नहीं होना है आलू ने। पानी च रखी सी डोब के रखे सी, छिल के फिर काले नहीं पेंदे बेटे, काले कोई नहीं अपने काले नहीं है। इधर मैं सोस कट रही हूँ जी पैकटियाँ, ओरियन लिए सोस बहुत ही जरूरी है क्योंकि जैनी आप सोस पावे उन्हें टेस्टी बनना उन्हें। आपां जी जिहड़े आपां ने आलू कद्दूकस कीते सीगे इन्हां नूं दो तीन पानियां च धो लांगे क्योंकि जिहड़ी ये वाइट जी दिख रही है ये फिर इहनूं चिपकण नहीं दिंदी हैगी, उह टुट जाणगी आपणी बॉल्स बणाईआं होईआं। तां करके इहनूं धोणा जरूरी है। अपने आलू मसाले पावांगे। सब तो पहला अपने इस काली मिर्च पाई है अद्धा चमच, हुण अपन लून पावांगे, नमक, लाल मिर्च, ते हल्दी, हल्दी चाहे पाओ चाहे ना पाओ थोड़ी अपनी मर्जी है। हुण आपां इहदे च मैदा पावांगे जी चार चमच, ते आपां इस च चौलां दा आटा पावांगे। इहनूं क्रंची बनाऊगा अंदर तो भी ते बाहर तो भी। हुण चंगी तरह इहनूं मिक्स कर लांगे, चाहे आपां हथ नाल भी कर सकते हैं जिवें आपां आटा गुन्नदे हां। ते आपां ने इस च जी पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना, जे आपां नूं कोई कमी लगे तो आपां आटा चौलां दा आटा सीगा ते मैदा वह आपां होर पा सकते हैं। दो चमचे आप होर पा लेंगे जी, वो भी दूजा भी पा लो। तो बस हूँ जी आप जो एन वधिया बन जूगा आटे वाग, तो आप इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनावांगे। हाँ जी हुण आपां इसी बोल्स बनावांगे छोटी छोटियां। ऐने की जी बोल्स बना रहे ने, ये ऐने सारी चंगी तरह बना लेंगे जी। ऐने आपां गैस बाल दे आपां मसाला तैयार कर लैने। जिहड़ी मंचूरियन दे उत्ते आई सॉस हुंदी आ जी आपां उह तैयार कर रहे हां। हुण मसाला बनने दे विच भी टाइम लगेगा, यही बाल दो तेरे विच पा दा। हाँ जी हाँ जी तेल पा दो, इधर भी कट देंगे आप छेती छेती, निकल छेती निपट जाना काम है।
चाहे तुसी एवें पेस्ट बना के भी कर सकते हो जी। सब कुछ जिवें आपां ने इस च प्याज लहसुन ते अदरक पाया है, या फिर तुसी मतलब करके भी पा सकते हो जे तुहाडे बच्चे एवें खा लैंदे ने। कढ़ाई का पानी चंगी तरह सुक गया जी, हुण आपां इहदे विच भी ऑयल पा देंगे। मीडियम आंच ते रखते हैं जी कि अपना गर्म हो। हुण मसाले का पानी चंगी तरह नाल जल गया जी, हुण आपां इहदे विच तेल पावांगे। सारिया ही पा दो हूं, अद्धी प्लेट कर दो एक बार। राम तो आते छिट्टा ना खा लूं देरी हिला रहा है कि एक तरफ से जा रही है ना। मैं तो वैसे तो अलग अलग हो गई सारिया बोलना बिल्कुल लाइट गोल्डन करके काढ़ लेंगे एक बार च। फिर दूजी बार आप फिर दोबारा फ्राई करांगे इन्हां नूं। आप इधर लून मिर्च पावांगे जी मसाले विच अपने विच। गर्म मसाला हल्दी लून जी आपां ने सारा कुछ पाते है जी अपने स्वाद अनुसार। हम आप देगी मिर्च भी ऐड करांगे क्योंकि वो कलर बहुत ही वधिया आ जाना। आप इदा ही होर पावांगे इधर, आप थोड़ा सारे पा लेंगे जी एक बार। बहुत पानी ऐड करांगे जी, मसाला चंगी तरह लाल भुन लेंगे आप। सारिया हो गई। तो जी अपने को सब्जियां हो गई आप भी पा सकते हैं। तो बस आपने इस जे प्याज पाए ने आप तो उही रख रही हाँ। जी अपने दूजा पूर भी निकल गया। अपने अपने सारे मंचूरियन बॉल्स काट ली जी फ्राई करके एक बार। तो हूँ आप इनू ठंडा होने रख देंगे 5-10 मिनट लिए, 5-10 मिनट फ्राई करा। फिर इस पानी लिया जी, 2 चमचे पानी देने आप, 2 चमचे मैदे से ऐड करा। आप चंगी तरह घोल लेंगे। हुण आपां इहनूं अपने मसाले विच ऐड कर देंगे जी, थोड़ा 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 फिर घुमाते रहेंगे। घट पायो दीदी, पायो तुसीं घुमा के पावां दीदी ऐसे जगह ना बैठा दीदी घुमाणगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके पा दिंदी हूँ, इसका कलर चेंज हो जाऊगा जी। वैसे भी क्रीम पाउडर ज़्यादा बेटर है,
हाँ जी कुछ भी पा सकते हैं तो अपन वधिया ही बनाना है बस सही गल गाढ़ा हो जूगा ये ना फिर ते हुण अपना तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है जी ते अपन इन बोल्स भी अपनी ठंडी हो गया ने हुण अपन दोबारा फिर फ्राई करांगे आराम नाल मम्मी हाँ देखो जी इसका भी रंग चेंज हो गया हुण ते ते जे अपने कोल सोया सॉस होवे या फिर चिली पोटैटो सॉस होवे आपां ओह वी पा सकदे आं जी इस च आपां तां जी इस च ओह पावांगे जिहड़े आपां ने छोटे छोटे पैकेट कट कीते ने सॉस दे हुण आपां इह देखो अपनी किन्नी सोहणी ब्राउन हो गईआं ने हुण आपां इहनूं कढ लांगे अपनी बॉल्स बिलकुल रेडी ने जी बस हूँ अपना एक लास्ट स्टेप रह गया जी इस नूं एक मिनट लिए रझा लिया ते आपां इस च एक होर का भी पा सकते हैं जी ये भी बहुत ही टेस्टी है तुसी भी अपने खाने दे विच बहुत ही टेस्टी लगती है साड़ी फैमिली तो बड़ी चावां नाल खांदी है जी है मैं चल थोड़े नाल वीडियो शेयर करा करंची रखना जी क्योंकि हुण आपां गैस बंद कर देंगे जी आपां गैस चालू रखांगे थोड़ा टाइम एक मिनट लई तां फिर इन्होंने सॉफ्ट बन जाना आपां सॉफ्ट नहीं बनानी है आपां करंची रखांगे करंची ज़्यादा टेस्टी लगदी ने खाण दे विच हुण आपां गैस बंद कर देंगे जी ते धनिया कर देंगे जिहड़ा आपां ने कटिंग कीता होया सीगा चंगी तरह नाल मिक्स कर देंगे देखने से ऐ लग रहा है जिम्मे है ना सवा भी ओके सवा भी नहीं बढ़िया होंगी है ना दीदी वही लग रही है नहीं है ना ये अपनी ज्यादा आपा ने किना कुछ करया नहीं बनाई है ना लग रहा है जिम्मे वही है ये हट के है देखने से अभी पर खान का टेस्ट बहुत हट गया हुण आप पहले किसी भांडे से काट लेंगे जी अपनी चॉइस है जी कि आपा ने ये मतलब एदा मसाला ज्यादा काठा रखना है कि अपने पतला करना साड़ी फैमिली ज़्यादा पतला ही पसंद करती है काठा नहीं पसंद करती हैगी इस करके अपने पतला ही रखा पर कहीं ज़्यादा काठा पसंद करते हैं चॉइस है तुम जिम्मे वजिए लगता उमें कर सकते हो फिर तुम जो अपने पानी पाया से उत्थे पानी घट पा लियो असी ज़्यादा पाया से बस हूँ आप थोड़ा करेंगे तुम साड़ी वीडियो वजिया लगी होएगी तुम भी अपने घर जरूर ट्राई करना तो सू कमेंटा दसना कि तुम साड़ी वीडियो कही जी लगी अगली वीडियो फिर मिलेंगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।